हेलो गाइस हाउ यू ऑल आई आप सब बहुत बढ़िया होंगे एंड वेलकम टू आर न्यू वीडियो सो जैसे कि आप लोग थमने देख कर आ रहे होंगे आपको समझ गए होंगे आप लोग कि आज की वीडियो में मैं आपको वो बुक्स बताने वाला हूँ जो अगर आप चाहो आप अपने दोस्तों को गिफ्ट कर सकते हो आप अपने रिश्तेदारों को गिफ्ट कर सकते हो या जिसको भी आप चाहते हो गिफ्ट करना इन बुक्स में से चुनकर आप कोई भी बुक गिफ्ट कर सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वो पहले से ही रीड करता है या करती है तो आपको उनका टेस्ट पता होगा कि यार वो कौन सा जॉनरा पसंद करते हैं या फिर वो कौन से बुक पढ़ रहे हैं या फिर आ, कौन से बुक सीरीज़ पढ़ रहे हैं अगर आपको ये है तो आप उनसे ये पूछो कि क्या उस बुक सीरीज़ की पर्टिकुलर जो पढ़ रहे हैं उसकी पूरी सीरीज उन बुक्स जो है वो उनके पास में रखी है या नहीं रखी अगर नहीं तो आप उसमें से कुछ गिफ्ट दे सकते हो अदरवाइज आप इन बुक्स में से भी कोई भी एक बुक चूज़ करके जो अच्छी लगे और जो सस्ती लगे वो आप किसी को गिफ्ट कर सकते हो तो आज की बुक्स में अपने पास सेल्फ हेल्प भी हैं और फिक्शन भी है हिंदी भी है इंग्लिश भी है तो आप पर्सन टू पर्सन डिफर करके ये बुक्स उनको गिफ्ट कर सकते हो तो फर्स्ट बुक मैं आपको बताता हूँ कौन सी बुक है जो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को गिफ्ट करो और ये अमेजिंग कॉन्टेंट लोगों के पास पहुँचाओ अगर आप ये बुक किसी को गिफ्ट करोगे तो लिटरली उसके लिए बहुत अच्छा गिफ्ट होगा जो गहन बी एल इसकी गुड़ गाथा मैंने कितनी गाई है वो आप लोगों को पता है एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट सो प्लीज इस बुक को आप लोग गिफ्ट करो अगर आप चाहते हो किसी और किसी ने इस बुक के बारे में नहीं सुना है नहीं पढ़ा है तो प्लीज गो फॉर इट ज्यादातर बुक्स के रिव्यूज और अनबॉक्सिंग अपने चैनल पे होंगे तो प्लीज चेकआउट कर लेना आप लोग <laughs> नेक्स्ट बुक इज अ लव सो स्पेशल बाय दीपक श्रीवास्तव सर ये एक बहुत प्यारी बुक है बहुत प्योर लव की बुक है ये एक फादर और एक सन की लव स्टोरी टाइप्स है इसके अंदर मतलब उनका बेटा जो होता है जो कि स्पेशली एबल्ड होता है वो गुम जाता है तो उसके फादर मदर ऑफ कोर्स मिलकर के कितनी कोशिशें करते हैं कितने मतलब पापड़ बेचते हैं अपने बच्चे को ढूंढने के लिए बहुत प्यारी स्टोरी है दीपक सर ने लिखी है इसका रिव्यू अपने चैनल पे है ये एक स्पॉन्सर्ड बुक थी मेरे लिए बट आई एम ग्लैड कि ये बुक मुझे मिली पढ़ने को बिकॉज लिटरली ये बुक बहुत द नेक्स्ट वन इज द लिटिल प्रिंस बाय एंटोनियो डी एगरी तो ये बुक बहुत लाइट बुक है वॉच पतली सी बुक भी अगर आप किसी इनिशियल रीडर को देना चाहते हो तो दे सकते हो इसकी इंग्लिश भी कुछ ज़्यादा हार्ड है नहीं आ, ये बुक एक लिटिल प्रिंस के बारे में जो कि पूरा ब्रह्मांड घूमकर अलग अलग प्लानट्स पर घूम आया होता है और एक सोल्जर से बात करता है जिसका आई थिंक सहारा डेजर्ट के अंदर प्लेन प्लेन रैश हो जाता है वो ठीक कर रहा होता है उसको तो वहाँ उसको लिटिल प्रिंस मिलता है और वो अपनी सारी जर्नी उस सोल्जर को बताता है यार मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ी है तो आई होप सो यही स्टोरी थी इसकी अपनी जर्नी में उसने कौन कौन से प्लानट पे किस किस से मिला क्या क्या करा वो सब इस बुक के अंदर लिखा हुआ है तो बहुत लाइट बहुत प्यारी बहुत अमेजिंग रीड है अगर आप किसी टीन को भी दोगे तो भी ये बुक अच्छी होगी उसके लिए नाव अ हिंदी बुक जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है उसका नाम है पुनाहों का देवता प्लीज़ 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 अगर किसी को हिंदी पढ़ना पसंद है या फिर वो हिंदी उपन्यासों के लिए ढूंढ रहा है कोई अच्छा है उपन्यास पढ़ना तो उसको ये सजेस्ट कर दो भाई इसको ये सजेस्ट कर दो और जाके दे दो उसको ये गिफ्ट कर दो जब वो उसको पढ़ेगा ना उसके बाद ही तुम्हें आकर के इतना थैंक यू बोलने वाला है कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता जैसे आपको भटकना ना पड़े इसलिए मैंने सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं वहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हो सीधा गिफ्ट कर सकते हो अमेजोन पे गिफ्ट का ऑप्शन होता है सीधा आप किसी को गिफ्ट कर सकते हो नाउ द नेक्स्ट बुक इज अ गैदरिंग ऑफ फ्रेंड्स बाय रस्किन बॉन्ड इसके अंदर रस्किन बॉन्ड की बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज हैं वो रस्किन बॉन्ड एक बहुत अच्छे ऑथर हैं जिनकी बहुत सारी बुक्स जो है वो काफ़ी फेमस हैं और मुझे कहीं ना कहीं उनका राइटिंग स्टाइल पसंद आता तो ये बुक मैंने पढ़ी थी इसके अंदर आई डोंट नो कितनी आपको बताया था तो जैसे कि आप देख सकते हो इसके अंदर कुछ 21 शॉर्ट स्टोरीज है रस्किन बॉन्ड की एक बुक के अंदर 21 स्टोरीज आपको मिलेगी तो या इट इज अ गुड बुक टू गिफ्ट टू फ्रेंड और एंड नाउ द नेक्स्ट बुक टू गिफ्ट इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड ये बुक मेरे पास फिलहाल के लिए है नहीं मेरा दोस्त पढ़ रहा है अभी तो इस बुक को आप जरूर गिफ्ट कर सकते हो किसी को ये बुक बहुत लाइट है बहुत अच्छी सेल्फ हेल्प बुक है ये आपके सोचने का तरीका जो है वो पूरी तरीके से बदल देगी इट इज ऑल्सो गुड बुक टू गिफ्ट एनी वन सो दिस बुक इज ऑल्सो ये मुझको खुद को एक गिफ्ट के तौर पर मिली थी अब पैलेस ऑफ एन्यूजन इस बुक के अंदर मेनली पूरी महाभारत द्रौपदी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है और काफी फिक्शन भी है इसके अंदर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो पुराणों में महाभारत है वैसी की वैसी है महाभारत है बट आई थिंक इसमें बहुत कुछ फिक्शन भी डाला गया है जो कि था नहीं रियल महाभारत के अंदर बट वो फिक्शन एक अच्छा ट्विस्ट देता है एक एक नयापन देता है पढ़ने में तो ये बुक अगर आप किसी लड़की को गिफ्ट करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा बिकॉज एक द्रौपदी का पॉइंट ऑफ व्यू एक लड़की अगर पढ़ेगी तो आई थिंक यू you नो know, रेजोनेट कर पाएगा ज्यादा बाकी मैं ऐसा कुछ भेदभाव नहीं कर रहा हूँ बस मैं एक एक एडवाइस दे रहा हूँ ये बुक मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी मैंने पढ़ा इस बुक को ऐसा कुछ नहीं कि बस लड़कियाँ भी पढ़ सकती है ऐसा कुछ नहीं बस एक एडवाइस दी और कुछ नाउ दिस बुक अगर आपके आप दिमाग में ये बुक नहीं आई इस वीडियो में होगी तो यार तुम काय के बुक लवर हो यार बुक लवर्स की एक बहुत बड़ी ड्यूटी होती है कि हैरी पॉटर फैंस को जितना हो सके दुनिया में फैलाना हैरी पॉटर एंड द फिलोसफर स्टोन द फर्स्ट पार्ट ऑफ हैरी पॉटर सीरीज इस बुक को आप किसी को गिफ्ट कर सकते हो अगर किसी ने हैरी पॉटर की मूवीज देखी और बुक्स नहीं पढ़ी तो ये फर्स्ट बुक उसको हैरी पॉटर सीरीज से प्यार कराने के लिए काफ़ी है अगर किसी ने बुक्स नहीं पढ़ी है अभी तक हैरी पॉटर की तो गो है गिफ्ट द फिलासफर स्टोन और अगर पढ़ रहे हैं वो तो जो बुक उनके पास नहीं है तो गो आइड एंड गिव दैट बुक आई नो कि कॉबलेट ऑफ फायर और हाउ ब्लड प्रिंस और दैट यू डेलोस बहुत महंगी महंगी हैं बट देख लो तुम्हें यार जैसा तुम्हारा बदल सही लगे सो लास्ट बट नॉट लीस्ट थिंक लाइक अ मॉन्क बाय जय शेट्टी बहुत अच्छी सेल्फ हेल्प बुक्स की मैं उसको मानता हूँ फादर ऑफ ऑल सेल्फ हेल्प बुक एन अमेजिंग बुक टू नो अबाउट हाउ टू लिव एन आइडियल ह्यूमन लाइफ जय शेट्टी ने ये बुक अपने एक्सपीरियंस से लिखी है एंड वन ऑफ माई फेवरेट्स है ये बुक भी सेल्फ हेल्प सेक्शन के अंदर इस बुक को मैं दो बार से ज़्यादा बार पढ़ चुका हूँ इस पर एक्चुअली मैंने तीन वीडियोज़ का एक फुल सीरीज़ बना रखी है अगर आपको चेकआउट करना हो तो आप चेकआउट कर सकते हो अगर आपने ये बुक नहीं पढ़ी और ना पढ़ने का सोच रहे हो तो उन तीन वीडियोज़ को देख लो आप एक तरीके से पूरी बुक आपको समझ में आ जाएगी तीन वीडियोज़ के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो ज़रूर अगर आपने अभी तक नहीं देखें वो तीन वीडियोज़ तो आई हाईली सजेस्ट यू गो एंड वॉच नाउ दोली मैंने बहुत मेहनत करी उन वीडियोज़ पर एंड आई थिंक दोस्डिज आरोप वॉच ओके तो भाई ये कुछ नाइन बुक्स है जो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ अगर आप चाहो तो किसी को गिफ्ट देना चाहते हो किसी बर्थडे आ रही है तो गो अहेड एंड गिफ्टीज बुक्स लिंक्रिप्शन में वापस बता रहा हूँ अभी जाकर अगर इन बुक्स पे कुछ अच्छी डील चलती है कुछ अच्छा डिस्काउंट मिलता है तो मैं उसको अपने इंस्टाग्राम पे जरूर अपडेट कर देता हूँ तो आप वहाँ जाके अपने साथ ज्वाइन हो सकते हो एंड यूल गेट अमेजिंग डील्स एंड अपना ब्लॉगिंग चैनल भी है जिसका फोन ऊपर आ रहा होगा उसको भी सब्सक्राइब कर लेना उस पर मैं फिटनेस रिलेटेड डालता हूँ थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और हेल्पफुल भी रहा होगा बाय टेक केयर आडियोस